यहाँ पे भी देखो एक बार ये टाइगर के एकदम लोटपोट होने के निशान है। बाकी है कि टाइगर टेरिटरी है तो हम अकेले जाके रिस्क नहीं लेंगे और सारे इकट्ठा होके जाएंगे। तो बाकी किसी पे हमला वगैरह भी हुआ है टाइगर सर? यहाँ तो टाइगर से मौत लोगों की 36 का आंकड़ा हो गया है, 38 का आंकड़ा हो गया है सर। होते रहता है जी सर। अभी जमनिया में तोड़ दिया था एक को, अभी 4-5-6 दिन पहले जो है माला में एक को मार दिया शेर ने। अरे ये देखो इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है। तो ये देखो ये एकदम एक्यूरेट है, यहाँ से मतलब काफी सख्त बना हुआ है और काफी बड़ा टाइगर है। भाई क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना सर, कल मैं घर से आ रहा था यहाँ पे बाइक में, हाँ जी 4 बजे के टाइम पे, जब तक ये दो लोग बच्चे थे उनके पास, उनके बीबी भी थी, एक बच्चा था एक वो था, उसके गाड़ी में हो गया तेल खत्म। अब वहाँ पे खड़ा हुआ, मैं उधर से आ रहा था, उतने ही में अचानक टाइगर निकल पड़ा बिल्कुल रोड पे आ गया। अरे उसकी बीबी तो बड़ा तेज तेज हुए, बाप रे। मैंने कहा फिर मैं तो कहीं बोल पा, तो टाइगर यहाँ पे भी बैठा था। तो देखो ठंडा और जो उसके पाँव के निशाने ये, और ये यहाँ पे पूरा उसने बैठा है, यहाँ पे घूमा है ना, ये नाखून नाखून भी मारे उसने। तो ये देखो नाखून नाखून भी खुरचे उसने। तो भाई फाइनली हमें टाइगर तो दिख गया है। ओ भाई, तो गाइस ये देखिए फाइनली वी सक्सेस। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन। आशा करते हैं आप सभी लोग सकुशल होंगे और हम भी सही हैं। और मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है और ये मॉर्निंग आप लोगों के लिए है, लेकिन हम रात भर नाइट ड्राइव कर रहे थे और पीलीभीत के आसपास के एरिया में है। बाकी हम प्रीवियस ब्लॉग में आपको लेके आए थे और काफ़ी चीज़ें हमने आपको दिखाई, तो आप वो हमारे पुराने ब्लॉग में देख सकते हैं, मतलब जो लास्ट प्रीवियस ब्लॉग है। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व से ही, तो जो उसका बफर पार्ट है, तो वहाँ से साथ में अपने राहुल भाई है और रवि भाई को हमने ड्रॉप कर दिया है सुबह के टाइम में, क्योंकि उनने भी हमारे पूरी रात भर हमारे साथ रहे। तो फिलहाल जो भी यहाँ का मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 6 बजे की टाइमिंग है, तो इसके आसपास की टाइमिंग में कुछ भी मूवमेंट होती है तो वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी चलते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अभी भी आपके सामने लाने की। बाइफरकेशन वाले एरिया में, बाकी ये कैनाल देखिए और यहाँ से हम लेफ्ट चले गए। वहाँ देखना कुछ है। तो जी अभी हम पहुँचे हैं बाइफरकेशन वाले पॉइंट में और जस्ट सुबह की शुरुआत है और नज़ारा देखिए बहुत ही शानदार, दिल को छू देने वाला नज़ारा। तो ये है यहाँ का व्यू और ये नज़ारे के पास ही यहाँ का टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो उसका जो मेन गेट है वो है मुस्तफाबाद और बाकी उस साइड है पक्की पटरी का जो गेट है और उसके अपोजिट साइफन पॉइंट है, जहाँ हम सफारी के लिए अक्सर इस पॉइंट में आते हैं और ये रास्ता जाता है कच्ची पटरी की तरफ। तो यहाँ हमने बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग करी है प्रीवियसली, तो ये सीधा रास्ता टाइगर के बहुत अच्छे पॉइंट में है। तो जी एक बार फिर से हम आ गए हैं लोकेशन की तरफ। बाकी देखो आगे रोड पे क्या है, बाइक है, वो बाइक जा रही है। मॉर्निंग की मूवमेंट है, बस एक दो जगह हम चेक करेंगे अगर देखने को मिलती है, तो रात में तो यहाँ हमें देखने को कुछ नहीं मिला था। बाकी लेफ्ट साइड में कैनाल है, स्पॉटेड डियर जा रहा है, जो कि मेल है।
बंद करो बटन। तो यहाँ कुछ डियर अंदर की तरफ गई है। रात की और दिन की बात बिल्कुल अलग है। जैसे रात के टाइम में एक थ्रिल बना रहता है और दिन के टाइम में या सुबह के टाइम में जंगल की खूबसूरती देखने को मिलती है। तो देखिए जो बगल पे कैनाल जा रही है और वहीं एक खूबसूरत सा डेंस फॉरेस्ट है। तो यार इस जगह पे हम रुके और यहाँ पे कुछ हमने फोटोग्राफ्स ली बर्ड्स की। और भाई साहब आप लोग यहीं रहते हैं? जी लोकल। लोकल सर। अच्छा, तो यहाँ तो जैसे जंगल के आसपास ही ये खेत वगैरह हैं। जी सर। तो यहाँ बाघ टाइगर का? सर आ जाता है टाइगर यहाँ पे। अच्छा। और टाइगर जो है दूसरे तीसरे दिन यहाँ रोड पे निकल जाता है। वो अच्छा। तो 2 किलोमीटर पीछे पिपलिया घट्टा पड़ता है, वहाँ पे तो परसों भी था। अच्छा। और जो है ये जंगल है ये सामने यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे निकल जाता है। अच्छा जी सर। तो मतलब आप ऐसे खेतों में जाने से भी बचते होंगे? मतलब सर डर लगती है रात बिरात में खेतों में जाने में। और दूसरी बात ये बिजार भी बहुत नुकसान करते हैं और जो है आप लोग डर के मारे घर ही में रहते हैं, खेतों में कोई जाते ही नहीं, बिजार को नुकसान करते हैं उनका। अच्छा जी। तो वो भी रिस्क हुआ ही। हाँ जी। और बाकी किसी पे हमला वगैरह भी हुआ है टाइगर? सर यहाँ तो टाइगर से मौत लोगों की 36 का आंकड़ा हो गया है, 38 का आंकड़ा हो गया है सर। होते रहता है। जी सर। अभी जमनिया में तोड़ दिया था एक को, अभी 4-5-6 दिन पहले जो है माला में एक को मार दिया शेर ने। अरे जी सर। तो फिर आप लोग कैसे बच बचाव करते हैं? अक्सर ऐसा है अपने खा पी के टाइम से आ जाते हैं घर पे, टाइम से घर ही पे ही रहते हैं, फिर घर ही पे रहते हैं। जी सर। बंद हो जाते हैं मतलब और अंधेरा होता है। जाना कहाँ है सर, अगर ज्यादा घूमो रात में रात बिरा इधर उधर तो अपनी जान खो। अरे तो इसमें कुछ फॉरेस्ट विभाग की ओर से कुछ सहायता वगैरह रहती है? सर कोई नहीं। या कुछ सिखाया जाता है? नहीं नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं बताया जाता ना यहाँ आसपास के गांव में, जैसे टाइगर से कैसे बचना है क्या करना है हमें कोई कभी कोई नहीं बताता है। कोई नहीं बताता है? जी सर कोई नहीं। आपको कोई बताया? कुछ नहीं बताया गया अभी तो। अच्छा, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे जो टाइगर के आसपास के विलेजेज है तो वहाँ बेसिक शिक्षा देनी चाहिए फॉरेस्ट विभाग की टीम से कि कैसे बच बचाव किया जाए और कैसे ये हमले को कम से कम किया जाए। चलो बच्चों बाय। क्या देखा आपने आज? क्या देखा बता नहीं रहे? बगुले का। आज इसने दांत नहीं मांजे हैं, जैसे घूमता है जब मछलियां मारता है भाड़ू दांत नहीं मान सकता है उससे। सुगर के बच्चे तो हैं ये बिगड़े बच्चे हैं सब। जैसे कि अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व का गेट आगे आ गया है और यहाँ से जंगल सफारी होती है, यानी कि मेन टाइगर टेरिटरी स्टार्ट है। और उसके जस्ट बाजू में ये देखिए ये जंगल का रास्ता है और उसके साइड में ये सटा हुआ खेत है और ऐसे ही आगे काफ़ी ज़्यादा खेत है। तो आप समझ सकते थे कि हाईली कॉन्फ्लिक्टेड एरिया होने का रीज़न ये भी है कि टाइगर टेरिटरी और लोगों के खेत एक साथ है। तो टाइगर अक्सर ऐसे खेतों में आ जाता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यार अभी हम आए मचान की तरफ और राइट हैंड में कच्ची पटरी है और इस साइड थोड़ी सी घास वगैरह भी हटा रखी है टाइगर की मूवमेंट की वजह से। बाकी ये मचान के ऊपर आ गए हम टॉप में और यहाँ से जो विजिबिलिटी है ये कैनाल की है और उस साइड जो है जंगल सफारी होती है और हमारे जस्ट नीचे भी जंगल सफारी होती है। तो ये देखिए खूबसूरत से जंगल का नज़ारा। ये
बस उम्मीद में है कि कोई तुच्छ इंसान आएगा और खाना देगा, तो देख लेना वो तुच्छ इंसान नहीं आपके नोन में तो नहीं है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि वाइल्ड एनिमल को ऐसे खाना देना तो तुच्छता ही है, तो कभी भी ऐसे ना दे, ये इनकी मौत का कारण होता है बेसिकली। तो यार यहाँ आगे एक पुल था जो कि ब्रिटिश कालीन था, लेकिन वो अभी यहाँ से ब्रेक हो गया बीच में से। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पे ड्राइव में, तो यहाँ हमने पुल में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। तो जी ये जो मैगी हम खा रहे हैं ना, एकदम टाइगर टेरिटरी में बैठ के खा रहे हैं। अब आगे पीछे दुकान है, उनसे बात करवाएंगे, मनोज भाई आ जाएं। तो यहीं पे दिखा था आपको है पास में ही, तो यहीं रोड से ही देख लिया था आपने। तो कर यार कर लिए भाई साहब लोगों ने है? कौन सा चैनल है? मेरा वाइल्ड लाइफ डी जोन। वाइल्ड लाइफ? हाँ वाइल्ड लाइफ का रहता है हमारा ज़्यादातर। आप लोग हमें देख के रुके? हाँ मैं भी यूट्यूब से ही यूट्यूबर हूँ मैं भी। अच्छा आप भी यूट्यूब, आप किस चीज़ से रिलेटेड? खेती बाड़ी से। अच्छा खेती बाड़ी, नाइस नाइस। यहाँ पे टाइगर की भी मूवमेंट है ना, तो थोड़ा वो कैप्चर कर रहा था मैं। अच्छा है अभी? बाकी जो टाइगर की आजकल मूवमेंट चल रही है वो ब्रिज के उस पार भी चल रही है, और बाकी यहाँ पे देखिए भाव भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फोर्स आप देख सकते हैं, आगे एक और भाई आ रहा है अंदर। तो यार यहाँ से हम आगे की तरफ आ गए, और ये रास्ता जाता है बेसिकली मंदिर की तरफ। भैरोमल मंदिर है आगे जाके, एक बार सब साथ चलते हैं यार, उनको भी आ दो। बाकी है कि टाइगर टेरिटरी है तो हम अकेले जाके रिस्क नहीं लेंगे, और सारे इकट्ठा होके जाएंगे। साथ एक और भैया आ चुके हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। परवेज भाई जी। तो राहुल भाई जी। और आपका भैया? प्रमोद कुमार। हाँ प्रमोद कुमार। प्रमोद जी जो कि मनोज जी के भाई है। और बाकी ये रास्ता सीधे मंदिर की तरफ जाता है। तो आप पैदल थे तब? पैदल नहीं, हम तो बाइक थे। अच्छा कहाँ पे? यही इसी रोड पे है। तो यार यहाँ पे तो अभी झाड़ी भी हो रही है बहुत, जाना सही रहेगा? खतरनाक है, है? खतरनाक झाड़ी। नहीं यहाँ तक जाना सही रहेगा? हाँ हाँ पंजा बनाएंगे। तो यार यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट भी हुई है। निकल गया इधर, तो आ भी तो सकता है वापस, कोई पता नहीं वापस आएगा। चलते हैं इससे ऊपर आ गया है तो उसमें चलो लेट पड़ हुआ था उससे। किस पे? मचान में लोट पोट हो गया था? नीचे अच्छा मचान के नीचे फिर ऐसे से गया रोड पे। अब मचान में झाड़ी जाए किसने? नहीं ना इसी यहीं से निकला सीधे जहाँ से। ओ भाई ये भी डरते हुए आ रहा है एकदम। तो ये नीचे रहेगा ऊपर आ जाएगा? पहले यहाँ पे वो होते थे ना खेत? जी जी ये तो फार्म था, एक सरदार था खदीमा का। अच्छा फार्म था यहाँ।
तो पहले यहाँ फार्म हुआ करता था, बाकी अब खाली प्लॉट रह गया है। अच्छा, देखा था आपने भी? कब? मैंने देखा था। कितना टाइम पहले? 6 महीने पहले। तो खैर टाइगर की तो मूवमेंट है, पगमाग हमें ऑलरेडी दिख गया है। एक इंसान को खाया था ना अभी, कहाँ की तरफ है वो? ये जाओ पर जाओ, आगे जो गांव पड़ता है राइट साइड, जाओ पर साइड। और इस साइड भी एक वो हुआ था ना, कुछ लकड़ी बिनने गए थे जो, वो तो इधर है भरतपुर की तरफ अंदर को रास्ता जाता है सूर्यरंज, उधर 47 में पीठ संख्या। अच्छा, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? काफ़ी है, करीब 10-12 किलोमीटर अंदर। मतलब इस साइड अभी ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, मैंने उसी को मारा था, एक पहले भी मार चुका, तीर चार कांड होगा। हाँ, वो पहले भी सरदार जी को तीन वाले को झपटा था। बाइक वालों पे, चलती बाइक पे सैनिक था ना वो पूर्व। अच्छा, चलती बाइक में? अरे तो प्रमोद भाई, मंदिर जाने का भी यही रास्ता है जी? यही, यहाँ से जाएगा, यहाँ से। तो लोग बाग जाते हैं अभी? जी जी जाते हैं। अच्छा, पैदल जाते हैं, गाड़ी जाते हैं, गाड़ी चार पहिया आती है, खटीमा से आती है। अच्छा, वहाँ से भी गाड़ी आती है, यहाँ से टू व्हीलर जाती है खाली। अच्छा, आगे जो एक रेस्ट हाउस है वो अंदर होगा काफी? जी, वो सूरज रेस्ट हाउस इधर है ये। अच्छा, कितनी दूर हो गए सर? यहाँ से है 7 किलोमीटर। अच्छा, 7 किलोमीटर जी। एक गांव भी है ना अंदर? जी, गांव भी है यहाँ से, बग्गा चौन पड़ता है। बग्गा, हाँ, वो कहाँ पे? ये रेस्ट हाउस से थोड़ा 3 किलोमीटर आगे जाके पड़ता है। अच्छा, 3 किलोमीटर आगे जी। चले फिर। कांची, अरे ये डॉग कौन सा है यार? ये एक हम लेके आए थे, वो वाला है क्या? नहीं नहीं, ये तो इधर से आया था, लेके आए थे दूसरे लोग लेके आए थे। कितना टाइम हो रहा है इसको? तो हो गए दो साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए। एक पिछली बार हम भी लेके आए थे, वो ब्लैक डॉग देखा हो? नहीं नहीं, यहाँ पे तो गाड़ी चलती रहती है तो डॉग। तो आगे तो मंदिर का रास्ता है लेकिन झाड़ी काफी ज्यादा है, तो उधर तो हम जाने का खतरा नहीं लेंगे क्योंकि हमने आगे चलते हुए पगमार्क भी देखे हुए हैं टाइगर के, और ऐसा ना हो आमना सामना हो जाए तो ये मुलाकात हम लोगों के लिए ही भारी पड़ेगी। कहाँ पे यार वो घेरा बनाना? कौन सा घेरा? तो ये है टाइगर की पगमार्क। तो टाइगर ने वैसे आगे की तरफ मूवमेंट करी है। हैं? जहाँ जहाँ पे रेत है ना ज्यादा गहरी, वहां उसके पंजे के निशान पड़े हुए हैं। तो अभी अंदर तो गर्मी है, तो हो सकता है कहीं पानी की तरफ निकला हो अपनी प्यास बुझाने, और उससे पहले वो आए हम निकल लेते हैं। तो ये है वो मंदिर का बोट,
तो यार जैसे हम वहाँ से आए तो हमारे मनोज भाई भी यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या हाल है मनोज भाई? बढ़िया सर, बढ़िया सर। कैसे हो? बढ़िया सर। क्या चल रहा है यहाँ? टाइगर अब तो दिखने लग गए, अब दिन आ गए। अच्छा, दो कल इधर को दिखे। हाँ। एक आज ये जीतू पुल है वहाँ पे दिखा। ये कब? कल करीब 4 बजे के टाइम पे, सुबह शाम को। अच्छा, शाम को 4 बजे से। अब तो ठंड आ गई सर, अब तो दिखने लगेंगे। सही है जी भाई। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना सर, कल मैं घर से आ रहा था यहाँ पे बाइक में। हाँ जी, 4 बजे के टाइम पे, जब तक ये दो लोग बच्चे थे उनके पास, उनके बीबी भी थी, एक बच्चा था एक वो था, उसके गाड़ी में हो गया तेल खत्म। अब वहाँ पे खड़ा हुआ, मैं उधर से आ रहा था, उतने ही में अचानक टैगर निकल पड़ा, बिल्कुल रोड पे आ गया। अरे उसकी बीबी तो बड़ा तेज हुए, बाप रे। मैंने कहा, फिर मैंने तो कही भैया कैसे भी हो तेल मेरे गाड़ी में दे दो, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे, और नहीं तो शेर वेर हमें मार देगा। फिर मैंने अपनी गाड़ी में तेल निकाल के उसको दिया, तो फिर हो गया। अरे जी, और इतनी डर गई थी उसकी घरवाली, हद से भी ज़्यादा डर गई थी, बहुत तेज कांप रही थी वो डर के मारे। देख लिया था जी, देख लिया था सामने, मेरे सामने। फिर मैंने ऐसे बोला, तो फिर वो नहर की तरफ चल दिया, फिर नहर की तरफ गया, फिर पता नहीं कब निकला। फिर मैं उसको तेल लेकर उधर चला गया, और मैं आ गया यहाँ। बहुत तगड़ा सीन था जी। तो यार मनोज भाई ने एक बहुत अच्छी बात करी। तो मनोज भाई जी सर, ये पानी का क्या होता है? मतलब ये सिंचाई के लिए जाता है सर, ये पानी दो धाबे नहर खाली जब सिंचाई का जरूरत होता है तभी पानी इसमें खोला जाता है। वैसे नहर बंद हो जाती है। अच्छा। बंद हो जाती है तो साहब, तो जानवर बहुत दिक्कत में आ जाते हैं साहब, उनको पानी पीने के लिए मिलता नहीं है। फिर हम इसको जानबूझ के इस नहर को हम खोलते हैं, ताकि जानवर पानी पी ले उधर ही, इधर पास में कहीं ना आए, कोई आदमी वादमी पर खतरा ना बने, इसलिए साहब हम इसको खोल देते हैं थोड़ी। तो यार मतलब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सीख है, मनोज भाई कितना अच्छा सोच रहे हैं जानवर के लिए। क्योंकि हमने भी देखा कि यहाँ पे पूरा पानी है, लेकिन इतना ज़्यादा बहाव है, लेकिन जो उसके सामने की नहर थी एकदम सूखी थी। तो इन्होंने स्पेशल परमिशन भी लिया है पानी खुलवाने के लिए, गवर्नमेंट को फ़ोन भी किया है। उसके बाद इनको जब परमिशन मिली कि आप 15-20 मिनट के लिए वहाँ खोल लीजिए, मतलब खोल ये नहीं खोलते हैं, बाकी विभाग के ही एक आदमी है वो अपना जाके ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ये हस्तक्षेप नहीं करते, ये परमिशन लेके उनको बता दिया। और वो थोड़ा सा पानी खुलता है और जो है वो नहर में है उसमें पानी में पानी आ जाता है, और उसके बाद जो बाकी एनिमल्स हैं उनको पानी पीने के लिए मिल जाता है। और उसकी वजह से मतलब अभी पानी ना मिले तो फिर दिक्कत भी हुई जी, दिक्कत होती है। फिर जानवर साहब इधर उधर भटकते हैं और फिर पास में इधर आ जाते हैं, फिर वो टाइगर वगैरह भालू वालू सर आ जाता है पास में, तो फिर तो देख के वैसे भी डर लगने लगता है, इसलिए हम पानी पहले छोड़ देते हैं ताकि हमारे पास ना आए। ये भी बात है, ये चीज़ें हैं। अजगर लपेट के व्यंजन उसको पिए, पूरा गटा पड़ा है उसको, करते करते वो जितना मुँह चलाए ना उतना उसका मुँह फैले, उसको ले गया अंदर लगाओ। तो यहीं की बात थी यार, यहाँ की बात नहीं है, दोनों डंडे हैं भैया, दोनों डंडे के बीच। तो यार यहाँ पे दो था, पूरा चूहे को ले लिया वो, फिर चूहे तो लग वहीं बैठा रहा सुस्ती में कदम। हाँ, फिर हमने डंडा में धके उधर गिराया, फिर उसको उधर कर दिया। तो भाई हमें एकदम यहाँ पे अब खतरनाक माहौल हो रहा है, हम यहाँ सो रखे और मनोज भाई कह रहे कि यहीं पर अजगर था और चूहे को खा रहा था, रात का टाइम था और मनोज भाई यहीं सो रहे हैं, और रात का टाइम तक कुछ कर भी नहीं सकते। उन्होंने पूरी रात यहाँ काटी और उसके बाद सुबह होने के बाद अंदर चले गया। तो जी मनोज भाई ने बनाई है हमारे लिए दाल चावल बढ़िया करके। दाल भाई हो जाए भी खाना, पेट पूजा फिर काम भी, उसके बाद देखेंगे टाइगर। यहाँ पे भी देखो एक बार, ये टाइगर के एकदम लोटपोट होने के निशान है। एरिया में भी मूवमेंट है, लेकिन कौन सा एरिया ये मैं दिखा नहीं सकता। कॉन्फिडेंस इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है। तो टाइगर यहाँ पे भी बैठा था, तो देखो ठंडा और जो उसके पाँव के निशान है, और ये यहाँ पे पूरा उसने बैठा है। यहाँ पे घूमा है ना, ये नाखून नाखून भी मारे उसने, तो ये देखो नाखून नाखून भी खुरचे उसने।
ये पंजे का नुकसान। आज सुबह के आज ही के लग रहे हैं। तो ये देखो ये एकदम एक्यूरेट है। यहाँ से मतलब काफी सख्त बना हुआ है और काफी बड़ा टाइगर है। तो गाइस अभी देखा आपने कि पगमार्क और पूरा मतलब टाइगर बहुत ज्यादा लोटपोट करी थी उसने, तो जितना हो पाया आपको दिखाने की पूरी कोशिश रही। बाकी कोशिश तो रहेगी अगर लाइव हम आपको आज दिखा पाए। कोशिश चल रही है, कोशिश पे दुनिया का यशिश नीत। तो भाई फाइनली हमें टाइगर तो दिख गया। ओ भाई तो गाइस ये देखिए फाइनली वी सक्सेस और यहाँ हमें टाइगर दिख गया। बैठा है? हाँ बैठा है।